हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एंथनी क्रिश्चियन और आज हम फिर से एक बार इंग्लिश ग्रामर सीखने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में टाइप्स ऑफ वर्ब्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है मैं उसको आगे के वीडियो में बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। पर सीखने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि मेरे नए हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस में मेन वर्ब्स को हेल्प करने के लिए होता है, तो इसलिए उसकी डेफिनेशन यहाँ पर कुछ ऐसी है। हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स टू कन्वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एस्पेक्ट ऑफ पॉसिबिलिटी और टाइम। तो उसका मतलब जो मेन वर्ब होता है उसके आगे उसको एडिफाई करने के लिए, उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो हमेशा याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा मेन वर्ब्स के पहले रहेगा, मेन वर्ब्स के पहले आएगा, यानी उसकी सही पोजीशन है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं और उसके बाद मेन वर्ब्स आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर जब हेल्पिंग वर्ब्स आता है तो हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स दोनों साथ में मिलकर बन जाएगा वर्ब फ्रेज। द मेन वर्ब विद अकम्पनिंग हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। फ्रेज की डेफिनेशन क्या है? कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव कम्प्लीट मीनिंग। ओके, तो यहाँ पर वर्ब फ्रेज यानी वर्ब उसके साथ जो और भी वर्ड्स है साथ में मिलकर फ्रेज बनाते हैं उसको बोलते हैं वर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल है तेजू इज गोइंग टू फ्लोरिडा, तो इज यहाँ पर है वो हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग इज मेन वर्ब। द ट्रिप माइट बी डेंजरस, बी मेन वर्ब है और माइट हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स हम सीखेंगे, एक तो जिसको बोलते हैं मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स जो कि मेन वर्ब्स के पहले आते हैं, जिसमें है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं क्योंकि ये मेन वर्ब्स को डिफाइन करने के लिए मेन वर्ब्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो टाइम रिलेटेड है, जिसमें एम, आर, बी, बिन, बीइंग, डिड, डू, डज, हैड, हैज, हैव, इज, वॉज, वेयर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो मेन वर्ब की जगह पर भी आ सकते हैं, वो एक्शन वर्ब भी बन सकते हैं या तो लिंकिंग वर्ब भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जाना इज मूविंग टू अ न्यू हाउस, तो इज मूविंग, मूविंग यहाँ पर मेन वर्ब है तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। पर वहीं पर जाना इज रेडी टू गो, यहाँ पर मेन वर्ब इज रहेगा क्योंकि उसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर इज मेन वर्ब है जिसको हम लोग लिंक इन वर्ब्स कहेंगे। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स का एक और एग्जाम्पल, डस्टिन डिड ईट हीज वेजिटेबल्स, तो ईट मेन वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब, पर डस्टिन डिड हीज होमवर्क, यहाँ पर डिड मेन वर्ब रहेगा जो कि एक्शन वर्ब है। तो इसी प्रकार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस में पहचान पाएंगे। हमेशा याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा मेन वर्ब्स के पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद में आता है, और हेल्पिंग वर्ब्स या तो मॉडल्स के रूप में हो सकता है या तो टाइम वर्ड्स के रूप में हो सकता है। ये जो टेबल मैंने दिखाया है स्क्रीन पे, ये टेबल आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और मॉडल्स के लिए, मॉडल सीखने के लिए आप मेरे अगले वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।